Hello students, I hope you all are fine, and today we will commence with our second chapter of chemistry, that is matter around us pure. Pure word हमने बहुत बार सुना है, हम उसके हिसाब से जज करते हैं कि जो हमारा matter है pure है या impure है, उसके बारे में हम study करेंगे इस chapter में. Matter के बारे में तो हमने सब ने पिछले chapter में सुन लिया था कि matter है क्या, जो भी चीज़ जिसमें स्पेस हो या मास हो वो क्या होता है हमारा मैटर. हम उसी चीज़ को फर्दर स्टडी करेंगे कि वो जो मैटर है हमारा प्योर है या नहीं है. जैसे हम हमेशा बात करते हैं प्योर हनी प्योर चीज़, बट एक्चुअल में इन केमिस्ट्री की फॉर्म में प्योर का मतलब होता क्या है वो हम स्टडी करेंगे. ओके, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ मेनी आइटम्स, ऑन द पैक ऑफ मिल्क घी फ्रूट जूस एक्सेट्रा. फॉर अ कॉमन पर्सन इट मीन्स दैट देर इज़ नो एडल्ट्रेशन इन दीज थिंग्स एंड देयर फॉर दीज आर प्योर. इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ हम मार्केट से जब खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है वर्ड प्योर, जैसे प्योर बटर प्योर घी कुछ भी एनी थिंग विच वी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, उसके ऊपर प्योर वर्ड का मीनिंग जो हमारे कॉमन पर्सन जो होते हैं हम सोचते हैं कि इसका प्योर का मतलब है कि इसमें कोई भी एडल्ट्रेशंस नहीं है. एडल्ट्रेशंस मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ये शुद्ध है. बट हाउ एवर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देर मे नॉट बी प्योर. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वही चीज़ जिसको हम प्योर बोल रहे हैं वो प्योर नहीं होती. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द प्योर सब्सटेंस मीन द दैट इज़ अ सिंगल सब्सटेंस. जो चीज़ एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है दैट इज़ प्योर इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ नॉट प्योर. मिल्क जो है प्योर नहीं है. क्यों? क्योंकि मिल्क जो है मिक्सचर है किन किन चीज़ों का, डिफरेंट थिंग्स लाइक फैट वाटर प्रोटीन एक्सेट्रा. एयर इज़ ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस. एयर में क्या है डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, इसके लिए वो हमें उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जिसमें होता है वो क्या होता है हमारा प्योर सब्सटेंस. जैसे आयरन है, आयरन में सारे के सारे एफ ई सिंबल होता है आयरन का, तो सारे के सारे क्या होंगे आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे. तो हमारा आयरन जो है दैट इज़ प्योर सब्सटेंस. This means that the all the constituting particles of the pure substance are the same in their chemical nature. जो chemical nature में same हो, chemical तरीके से जो उनकी chemical properties होती हैं वो क्या हों उनकी substances की same हो. Thus the pure substances represents a single substance. एक single substance को represent करता है. As we look around, we can see that more of the matter around us exists as a mixture of two or more pure substances or the components. जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास काफ़ी सारे mixtures present होते हैं. All those mixtures are prepared by two or more pure substances or components. काफ़ी सारे प्योर सब्सटेंसेस या मैटर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सी वाटर हो गया हमारा, मिनरल्स हो गए, एयर सॉइल एक्सेट्रा, ऑल दीज आर मिक्सचर्स. दस ऑल मैटर्स अराउंड अर्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो मैटर्स हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर इज मिक्सचर ऑफ दोज सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में क्या फ़र्क है. मोस्ट ऑफ द मटीरियल दैट कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ आर मिक्सचर. मिक्सचर कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर में क्या होता है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर एक बना होता है, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर. वो मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड गैसेस कैसा भी हो सकता है. जैसे वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और द रिवर इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी सॉल्ट सैंड एंड क्ले वाटर. जो वाटर हमारा पॉन्ड में मिलता है रिवर में मिलता है उसमें क्या होता है सॉल्ट्स भी होते हैं काफ़ी सारे, सैंड भी होती है एंड क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं. मतलब ये तीन चीज़ों को मिक्स करके बना है. These are known as mixtures. The water that we drink also contain very small amount of various salts dissolved in it. उसके अंदर घुले होते हैं काफ़ी सारे salts present होते हैं.
डिटेल में देखते हैं हम इसको। जैसे एयर अराउंड अस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सम गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर। सम उसमें क्या है, काफ़ी सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर। सबकी अमाउंट अलग अलग होती है। कोई भी जो तीनों की जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं सबकी सब अलग अलग अपनी अपनी अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एंड उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं। मैनी सब्सटेंसेस सच एज मिल्क, जैगरी, जैगरी तो पता ही होगा सबको, गुड़ को बोलते हैं, शरबत ड्रिंक जो भी है हम बनाते हैं, स्कंजवी वगैरह, उसमें भी क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर इन फैक्ट मिक्सचर विच अपीयर टू कंटेन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। दिखने में क्या लगते हैं कि वो सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट उनमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड हुई होती हैं। सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। सब्सटेंसेस विच मेक अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिन चीज़ों को मिलाकर हमारा एक मिक्सचर तैयार होता है, देट आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिल्क मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी, इज़ मेड मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी उनमें ऐड हो जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर दोज ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मिच, प्रॉपर्टी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसमें सब्सटेंसेस ऐड हमने किए होते हैं। जैसे नींबू पानी होता है, उसमें क्या होता है, मिक्सचर किसका होता है, वो वाटर का, लेमन जूस का, सॉल्ट एंड शुगर का। जब हम पीते हैं हमें थोड़ा खट्टा भी लगता है, क्योंकि लेमन की वजह से थोड़ा सॉल्टी लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, थोड़ा स्वीट लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर। Moreover, since it contains water, it quench our thirst like the water. जैसे हम इसे पीते हैं तो हमारी प्यास भी बुझ जाती है, कैसे, जैसे हम पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी उस किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, जो भी सब्सटेंसेस, जो भी कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब किसी चीज़ को सेपरेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है केमिकल वे एंड दूसरा क्या होता है फिजिकल वे। केमिकल मेथड मतलब कोई केमिकल वे से हम जो कि बॉयल करेंगे या कोई केमिकल रिएक्शंस करेंगे उसकी वजह से जो सेपरेशन होती है, जैसे NaCl है, पानी में जब हम NaCl को डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्ट डिसॉल्व कर देंगे, आप पानी में डिसॉल्व जैसे ही करते हो वो पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। जितने भी वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, हमने देखा था कि मैटर में क्या होता है, स्पेस होती है, स्पेस सारी की सारी कवर कौन कर लेता है, जो NaCl हम उसमें डालते हैं। सारी जब स्पेस कवर हो जाती है वो क्या है, हम उसको सेपरेट करेंगे सिंपल फिजिकल वे से, हम उसको जैसे पिक वगैरह करने से, मतलब उसको निकालेंगे हाथ से, नहीं निकलेगा वो, क्योंकि वो फिजिकल मेथड से नहीं निकलेगा, बिकॉज दैट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम, उनकी जो सेपरेशन है हम फिजिकल मेथड के साथ नहीं कर सकते, बट जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। लाइक mixture can be separated by the physical methods into its two or more pure substances. जैसे हम for example the sodium chlorine added किया गया है किसमें, water में, can be separated by the physical process of evaporation. physical process हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, evaporation का। evaporation मतलब पानी को क्या कर देंगे, boil करेंगे, जैसे हम उसको क्या करेंगे, boil करेंगे, तो हमारा जो water है, water क्या हो जाएगा, evaporate हो जाएगा, and evaporate होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, नीचे NaCl, salt हमारा नीचे separate हो जाएगा। जैसे कोई भी हम mixture, जैसे कोई आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन की जो नेल्स हैं, टुकड़े हैं, वो डाल दिए पेपर के बीच में, या किसी भी और अदर सब्सटेंसेस, कॉपर के बीच में डाल दिए मान लो, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के साथ हमने सेपरेशन के वेज पढ़े हैं आपने पहले भी, उनको लेकर हम सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम शुगर सब्सटेंस है, वो क्या है, इट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का बना हुआ है, एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, सारे के सारे पार्टिकल्स में, पानी में जब हम शुगर को डालेंगे हर जगह पे शुगर क्या होगी, सेम होगी। मिक्सचर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेनिंग बाई मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर विदाउट एनी केमिकल चेंज, उनके बीच में कोई केमिकल चेंजेस ना हो।
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के क्या क्या टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक क्या होते हैं एलिमेंट्स, दूसरे क्या होते हैं कंपाउंड्स। आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हम डिटेल में इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. He said that the element could not be broken down into the similar substances. कोई भी element क्या होता है, Robert जो Boyle था उसने पहला scientist था जिसने हमें elements के बारे में first time बताया था। क्या कह रहा है वो, उसने बोला कि जब भी हम element जो भी है हम उसको, मान लो elements कौन कौन से होते हैं हमारे, copper, sulfate, copper, iron, जिंक, ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स हैं। इनको बोलते हैं कि अगर हम इनको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, जैसे मान लो एक आयरन का पीस ले लो आप, ठीक है, जैसे ही आयरन के पीस को टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे, तोड़ दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसमें आयरन की जगह कुछ और हो जाएगा, रहेगा तो वो आयरन ही, चाहे हम उसके जितने भी सिमिलर सब्सटेंसेस में उनको कट कर लें, डिवाइड कर लें। दिस डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट इज स्टिल एप्लीकेबल। यही चीज़ हम अभी भी स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करने पे हमें सिमिलर जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। एंटोइट लुईसर ने ही बोला था, फ्रेंच केमिस्ट है, एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंट यूजली डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर उसने एक डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंसेस और नेवर बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय एनी नॉन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। जो भी एलिमेंट्स को हम अगर तोड़ेंगे वो कोई और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होगा, सेम उसी के ही सब्सटेंसेस रहेंगे वो। आयरन तोड़ेंगे आयरन के ही छोटे छोटे पीसेस होंगे, अदर सिमिलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर हमें ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं कोई मेथड्स के साथ, केमिकल या फिजिकल कोई भी प्रोसेस के साथ हम इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। किसी और सब्सटेंसेस में ये क्यों नहीं डिवाइड हो पाते, स्प्लिट मतलब डिवाइड क्यों नहीं होते, क्योंकि आयरन जैसे है, आयरन किसका बना हुआ है, आयरन का ही बना है, अगर तोड़ेंगे तो आयरन ही निकलेगा वहाँ से, कोई और एलिमेंट्स या कोई और एटम तो आएगा नहीं, क्योंकि वो एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड के एलिमेंट का मिलकर बना होता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ जो मैंने आपको पहले दिया था आयरन का, आयरन भी क्या है, छोटे छोटे टुकड़े किसके, किस चीज़ के बने हुए हैं मिलके, एटम किसके एटम मिलके बने हैं, आयरन के ही एटम मिलके एक क्या बना रहा है, एलिमेंट बना रहा है। जैसे सल्फर है, सल्फर भी क्या है, ओनली सल्फर के ही एटम्स मिलके सल्फर बनाएगा। सेम केस मरकरी एटम में है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होती है। ऐसे हमारे पास अब तक 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर फार फ्रॉम बींग फाइंड टू द नेचुरली एंड रिमेनिंग आर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉरेटरी। 92 जो हैं नेचुरली मिले हैं हमें और बाकी जो बचे हुए हैं हमने लैब में फाइंड आउट किया है। ऑल दिस एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ टू द सेम प्रपोर्शन। अर्थ की क्रस्ट में ये सेम प्रपोर्शन में पाई नहीं जाती। डिफरेंट डिफरेंट कोई जगह पर क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कईयों में अल्मीनियम ज़्यादा होती है, क्रस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, उसमें क्या है अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स की अमाउंट जो प्रेजेंट होती है वो डिफरेंट होती है। फ्रॉम दीज एलिमेंट्स ऑल अदर सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ आर मेड। इन्हीं एलिमेंट्स को मिलाकर हम एक कंपाउंड तैयार करते हैं, उस कंपाउंड को मिलाकर हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। द एलिमेंट आर रिगार्डेड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ यूनिवर्स। एटम्स को ही मिलाकर हम नेक्स्ट चीज़ें बनाते हैं, तभी इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जो यूनिवर्स। ऑक्सीजन है और सिलिकॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। दे आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्ट, सैंड, सॉइल एंड रॉक्स। किन किन को मिलाकर बने होते हैं ये, दोनों ही सैंड, सॉइल एंड रॉक्स को। ऑक्सीजन ऑल्सो अकर एज फ्री एलिमेंट इन एटमोसफेयर एंड इन द कम्बिनेशन विद हाइड्रोजन इन वाटर। ऑक्सीजन कैसी होती है, फ्री
एग्जिस्ट करती है, फ्री एलिमेंट है, अगर एज अ फ्री एलिमेंट इन एटमोसफियर, फ्री होती है एटमोसफियर में एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है वो, वाटर. मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन आर बॉडी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं. तो फिर आगे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी. अमंग ऑल नोन एलिमेंट्स ओनली मर्करी एंड ड्रोमियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जैसे हम इन दोनों एलिमेंट्स को रूम टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आर नोबल गैसेज. हम इनको नोबल गैसेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर क्लासेज में, टेंथ में आ जाएगा पूरा प्रॉपर इसका. नोबल गैस क्या होती हैं, जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल कम्प्लीट, आई थिंक आपके नेक्स्ट टॉपिक में भी हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में, स्ट्रक्चर एंड एटम वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे कि नोबल गैस कौन से होते हैं, किसके अंदर कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको नोबल गैसेस नाम दिया गया. हीलियम, न्योन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं. वाइल जितने भी इनके अलावा जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स. कॉमन जो सॉलिड्स हम स्टडी करते हैं वो क्या हैं, जिनके बारे में ज़्यादा स्टडी किया जाता है, कार्बन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. नीचे कुछ दिए हुए हैं आपको एलिमेंट्स डिवाइड करके, जो गैसेस हैं वो और लिक्विड एलिमेंट्स एंड सॉलिड एलिमेंट्स. बाकी जो बचे जितने भी सारे होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं. लिक्विड में सिर्फ दो ही होते हैं, मर्करी एंड ब्रोमियम. नेक्स्ट हम इनके बारे में स्टडी करेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी या फिर मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, हम उनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे. पहला क्या है, मेटल्स. मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, शाइन होती है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं एंड गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. दे हैव सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर, डक्टाइल होते हैं, मतलब जैसे हम उसको हथौड़ी के साथ पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैलेबल, मतलब मैलेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, हैमर के साथ, सॉरी डक्टाइल क्या होता है, जिसमें हम उसको मेटल एलिमेंट को अगर खींचेंगे, खींचने से वो क्या बन जाएंगी, हमारी वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी, मतलब वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टाइल. एंड मैलेबल क्या होते हैं, वो जैसे ही हम उसको हैमर के साथ, हथौड़ी के साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी विदाउट ब्रेकिंग. मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कोई भी चीज़ हार्ड होगी तो उसको मेल्ट एंड बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे ही पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, जैसे हम सॉलिड्स में देखते थे, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होने की वजह से क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी. स्नोरस होते हैं, जैसे ही हम जैसे बेल को रिंग करते हैं काफ़ी समय तक गूंजती रहती है आवाज़, वो क्या होते हैं, स्नोरस. एंड जो कॉमन मेटल्स होते हैं हमारे क्या क्या हैं, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर. नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स. वही सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती इसकी, अलग अलग हैं. इसके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, वैरायटी होती है, पुअर कंडक्टर होता है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उसके ऊपर जो शाइन होती है बिल्कुल भी नहीं होती, एंड ना ही वो मेलेबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, मतलब ना ही वो वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, ना ही शीट्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसे हम हैमर के साथ उसको मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएगा वो. तो ये इसके जो क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट. जितनी भी कोई चीज़ सॉफ्ट होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा. एंड इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है. बट जो हमारा मर्करी है, मर्करी कैसा होता है, हमारा लिक्विड होता है. अबाउट 80% ऑफ मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो मेटल्स होते हैं. 20% जो रह गए हमारे वो नॉन मेटल्स होते हैं. उनमें से ऑल द सारे के सारे मेटल ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. बट सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है. एंड ब्रोमीन क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाती है, लिक्विड होती है. बट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं बट उनमें सॉलिड होते हैं, सॉरी. ब्रोमीन क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में आ जाता है.
नेक्स्ट जो है मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज की होती हैं नॉन मेटल्स की होती है. दोनों की प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इसका नाम है मेटलॉइड्स. इट शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो कुछ एक एग्जांपल्स इनके क्या हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी.